अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुल्तान बर्ड्स एएस लवर में। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ठंड का मौसम आ चुका है, तो हम कैसे अपने बर्ड्स को ठंडे लगने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अपने हर एक पिंजरे में से पानी का बर्तन हम लोग निकाल देंगे। तो सिंगल हैंड में वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं पानी का बर्तन निकाल ले रहा हूँ। अब पहले क्लिप लगा देता हूँ पिंजरे की, वरना फिर उसे वो उड़ जाएगा, इसलिए मैं पहले क्लिप लगा लूँ। सिंगल हैंड वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाऊँ सब उसका नोटिफिकेशन सबसे आगे आपको मिलती रहे। तो जैसा देख सकते हैं मैंने एक एक करके पानी का बर्तन निकाल रहा हूँ। आप भी अपने पानी के बर्तन सब निकाल दें केज में से, जिसके कारण बर्ड्स को ठंड ना लगे। क्या होता है ना, कभी कभी चूहे वगैरह वगैरह परेशान करते हैं, जिसके कारण वो फ्लाइंग करते हैं केज में। अगर वो पानी में गिर जाए तो उसके कारण उसे ठंड लग सकती है। तो इसीलिए दोस्तों आप भी पानी का बर्तन निकाल दें, ताकि फ्लाइंग करते समय वो भींगे ना। जैसा कि देख सकते हैं मैं भी हर एक बर्ड्स में से पानी का बर्तन निकाल दे रहा हूँ। और सबसे बड़ा चैलेंज होता है दोस्तों ठंड के मौसम में, जिसका इनडोर है वो तो अच्छे तरीके से ढक के रख लेने से उनका रह जाएगा, जिसका आउटडोर है उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उस घर हवा बहुत तेज़ी से चलती है ठंड के मौसम में। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों मेरा आउटडोर केज है, तो इसलिए धूप हवा पानी बहुत अच्छे तरीके से आती है। सुबह इन्हें धूप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कौवा सन के रिफ्लेक्ट में रहेंगे तो थोड़ा अच्छे रहेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने एक प्लास्टिक भी लगा रखा है, आप भी अच्छे तरीके से अपने केज को ढक दें जिस तरीके से मैं ढक रहा हूँ। तो ये मैं खोल रहा हूँ, ये क्या हुआ, डबल गिट्ठा लग गया सर, तो मैं इसे खोल लेता हूँ दोस्तों। मैंने इसे खोल लिया है, अब मैं इसे ढक देता हूँ पूरी तरीके से, जिसमें से एक भी हवा ज़्यादा जा नहीं पाए। एक दो छेदे मैंने जानबूझ के कर रखा है, ताकि पूरा हवा ब्लॉक ना हो जाए, सांस भी लेने के लिए जगह होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों मैंने पूरा पिंजरा ढक दिया है। इस तरीके से आप दोस्तों अपने ठंड में अपने बर्ड्स को बचा कर रख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे के वीडियो आपको बराबर मिलती रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।